वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विद एसके यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई चेक थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा लगाकर बैंक ने क्लियर किया है? क्या ऐसा कोई लॉ है? तो आज आपको इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि कोई चेक ऐसे क्लियर हो सकता है और छोटी मोटी जो कन्फ्यूजन होती हैं साइन वगैरह से रिलेटेड जो लॉज हैं वो भी आज आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए नज़र डाल लेते हैं आज के कंट। पहला तो पॉइंट है दोस्तों कि क्या दो सिग्नेचर आप एक अकाउंट में रख सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक मैनेजर हैं उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली है और कुछ पढ़कर ये मैं आपकी जो कन्फ्यूज़न है उन्हें क्लियर करूँगा। तो पहला तो क्या एक किसी के दो साइन एक अकाउंट में हो सकते हैं? क्योंकि साइन ऐसी चीज़ है जो बहुत आसानी से चेंज हो जाता है, यानी कि उसमें डिफरेंस भी आ जाता है जब आप कहीं पर साइन करते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या दो साइन कोई रख सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। एक अकाउंट में सिर्फ एक ही साइन चलेंगे, क्योंकि अगर ऐसे साइन जल्दी जल्दी चेंज होने लगा या फिर किसी अदर साइन से बैंक आपको पैसा देने लगा निकाल कर, तो फिर सिक्योरिटी और प्राइवेसी क्या रह जाएगी, कोई भी पैसा निकाल लेगा। तो इसलिए साइन आप चेंज ज़रूर करवा सकते हैं एप्लीकेशन देकर। अगर भूल भी गए हैं तब भी बैंक आपका साइन चेंज कर देगा आपकी एप्लीकेशन लेकर, लेकिन दो साइन नहीं हो सकते एक अकाउंट के अंदर, एक ही साइन रहेगा, उसी से ही आपको विड्रॉल करने की इजाज़त बैंक देगा। अब एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि क्या चेक के पीछे जो दो साइन करवाता है बैंक वो मैंडेटरी है? अगर हम एक करें तो चल जाएगा या नहीं चलेगा? तो दोस्तों इसका जो ये लॉ बनाया है ये आरबीआई की गाइडलाइंस के द्वारा ही सारे बैंक गवर्न किए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों जनरली जो लॉ है वो तो ये है कि चेक पर दो साइन तब करवाए जाते हैं या जब आप पेश करें तो तब, और एक जब आपको पैसे दिए जाते हैं कैशियर द्वारा तब दूसरा करवाया जाता है। लेकिन पब्लिक परेशान ना हो, टाइम ना लगे, इसलिए बहुत सी जगह बैंक्स में दोनों साइन चेक के पीछे एक साथ करवा लिए जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है दोनों साइन करवाना, इससे जो कैशियर है या फिर जो चेक पास करने वाला है वो कन्फर्म हो जाता है कि जो पैसा निकाल रहा है वो सेम ही बंदा निकाल। इसलिए दोस्तों दो साइन चेक के पीछे करवाए जाते हैं। क्या चेक साइन अथॉरिटी भी आप किसी और को दे सकते हैं? यानी कि आपको कहीं बाहर जाना है तब ऐसे केस में अथॉरिटी आप किसी और को प्रोवाइड कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें जवाब है हाँ, अथॉरिटी जो है दी जा सकती है, आप किसी को ऑथोराइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बैंक में एप्लीकेशन के साथ साथ पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह देना पड़ता है। तब जो अथॉरिटी है साइन करने की वो किसी और को भी बैंक दे सकता है जब तक आप वापस नहीं आते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों मेन टॉपिक पर, थंब इम्प्रेशन ऑन चेक। क्या अंगूठा लगाकर चेक जो है विड्रॉ हो सकती है उससे अमाउंट या नहीं हो सकती, या फिर जो इलिटरेट हैं वो अंगूठा लगा सकते हैं चेक के ऊपर या उन्हें चेक इशू हो सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, चेक उन लोगों को इशू नहीं हो सकता जो लोग अंगूठा लगाते हैं। उनके लिए अलग से विड्रॉल स्लिप बनाई गई है, आप लोगों ने बहुत सी बार देखा होगा। वैसे तो विड्रॉल स्लिप का यूज़ सभी कर सकते हैं, लेकिन जो अंगूठा लगाने वाला है उस विड्रॉल स्लिप से पैसे विड्रॉ कर सकता है। तो चेक पर सिर्फ सिग्नेचर ही चलते हैं, चेक पर अंगूठा नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें बैंक को भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अंगूठा वेरीफाई करवाने के लिए कोई अभी ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स बैंक के पास में नहीं है। हाँ, लेकिन जो साइन है उसे वो देखकर वेरीफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो इसलिए चेक पर अंगूठा दोस्तों नहीं चल सकता है। अब बात कर लेते हैं विड्रॉल स्लिप की। विड्रॉल स्लिप दोस्तों सबको ही दी जाती है, ये कोई भी इससे विड्रॉ कर सकता है जो पैसे निकालना चाहे। हालांकि जिनके पास चेकबुक होती है वो चेकबुक से विड्रॉ कर लेते हैं, और जो इलिटरेट होते हैं जो कैपेबल नहीं होते साइन करने के, जिन्हें साइन करना नहीं आता, वो अंगूठा लगाकर पैसे निकाल सकते हैं विड्रॉल। तो दोस्तों ये तो थी वीडियो। देखा आपने कि अंगूठा आप नहीं लगा सकते हैं चेक के ऊपर, चेक पर सिर्फ साइन ही कर सकते हैं, साइंड चेक ही माना जाएगा। तो दोस्तों ऐसी वीडियो कंटिन्यू देखते रहने के लिए इस वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, और जो नीचे रेड बटन आ रहा है उसे प्रेस करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू।